रोला जब तक धरना दिन गौचर खुले नहीं होई जत हमने कहीं नहीं लेना अठे ही रहना या हां ए दी तो माता कूके बत घर जान के लो सही बात है बेत कूकनो पड़ी ए दीत कोनी हां कब्जा भी पटवारी लाया नपाई है हां सारी रोकड़ी भी है लोग मरने तक के मुकदमा करे केस करे झगड़ा करे हां गौचर खुली नहीं करे हां गाया भी कूट 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 नाचे देके काटे हां गौचर खुद गौचर है गायों हां भी कोई गवर्नमेंट की जमी है हाँ। तो ही भाई बाना छूट है हाँ। भी काली जमी है तो ही बाना छूट है पर भी सब लोग है गाँव हाँ। गौचर में सब लोग है कोई जवाब नहीं देना है कोई कोनी भी आवे तो भी गौचर में हटो नहीं हमें हाँ। जब नहीं हटो जो ना हमें हटे ही को हटो जब तक गौचर हटे जगदीन मेरे पास गाँव से साथियों नमस्कार मैं हूं कालू माली आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। औरण गोचर भूमि बचाओ उसको लेकर धरना दिया गया है। पिछले 6 दिन से कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के बाहर धरना चल रहा है। धरने पर सभी लोग बस एक ही इनकी मांग है औरण गोचर भूमि को भू माफियाओं से बचाओ मुक्त करवाओ उसकी मांग को लेकर इनका धरना है। इनसे बात भी हुई है क्या कहा इन्होंने और एक महिला इस धरने पर बैठी है इस महिला ने क्या कहा है वो ज़रूर सुने आप। जय हिंद जय भारत पूरा वीडियो देखना और महिला की बाइट सुनना क्या कहा है महिला ने। नमस्कार भगवान सिंह जी पिछले कितने दिन से आपका धरना चल रहा है आखिर आपकी मांगे क्या है। हमारा पिछले 6 दिनों से हम धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है बाड़मेर ज़िले में औरण गोचर नदी नाला तालाब और सरकार के प्रयोजनार्थ जो आरक्षित ज़मीनें हैं जो सरकारी कार्यालयों के लिए उनको आरक्षित कर रखा था उनके ऊपर भूमाफियों ने कब्जा कर दिया है और कई जगह से सरकारी ज़मीनों को स्टाम्प पेपर के ऊपर मालिकाना हक बताते हुए बेच दिया गया है उसको हम अतिक्रमण से मुक्त करवाने को लेकर के धरने पर बैठे हैं। ये हम कई सालों से यह पर्यावरण प्रेमी थे जो यहाँ का जो संरक्षण सरकारी ज़मीनों का करने के लिए जो प्रयासरत थे उन्होंने कई बार अधिकारियों को शिकायतें किया। कई लोग थे वो हाईकोर्ट तक गए जनहित याचिकाएं दायर किया वहाँ से आदेश तक हो चुके थे उसके बावजूद वो अतिक्रमण नहीं हटा था क्योंकि जो अतिक्रमण किया गया था वो राजनेताओं के संरक्षण में हुआ है और उनके कार्यकर्ता है बड़े बड़े लोगों का जिसके लिए हमारा पिछले 6 दिन के धरने से यहाँ पर न तो किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता है न कोई कांग्रेस पार्टी के नेता है न किसी अन्य पार्टी का नेता है न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए न बजरंग दल से आए न शिवसेना से आए मतलब ये सब अपने अपने इस हिंदुत्व धर्म के नाम पे और गायों के नाम से जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो कोई भी नहीं बैठा और आज दिन तक जो इस जिला मुख्यालय के बाहर जितने भी धरने दिए गए थे वो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत लाभ था व्यक्तिगत हित था इस वजह से वो धरने पर बैठते थे और जो नेता आते थे वो अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आए थे। और ये हमारा जो धरना है बाड़मेर जिले के पूरे जो जिले में अतिक्रमण कर रखा है उस जमीन को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाने को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कितने दिन हुए सर? हमारे को 6 दिन हो गए धरने में। ठीक है ये भगवान सिंह लामराव थे। अपन अब बात करेंगे माता जी भी यहाँ धरने पर विराजमान है माता जी से बात करते हैं। मासा क्या नाम है आपका? कल्लू देवी है। कल्लू देवी कल्लू देवी जी कल्लू देवी जी आप कहाँ से हो? कहाँ से लील सरू आया। लील सरू आया हो ठीक हो माया वेद गऊ माता बात है। हाँ गऊ गऊ सर में भी पलोट कर देना है मकान छिन देना है कुआ तला खोद देना है गऊ माता तो रोड ही बाहर कर देनी है रोड पटड़ी माते तो लोग नहीं उभर दे गऊ सर भी रोक देनी है सारी गऊ सर बंद कर देनी है गऊ माता तो कोई रोकन ने जगह नहीं है गौचर गौचर सब खाली करनी है अपना लिए गौचर सारी गौचर के वास्ते धरना है ये गौचर वास्ते ही धरना है। कभी आया ये धरने माते? ये धरने माते आज आया हमें तो की कितना दिन भी रोला जब तक धरना दिन गौचर खुली नहीं हुई जब तक हमने कहीं नहीं लेना अठे ही रहना हाँ ये भी बैठा रोला अठे ही रहा घरे कौन जाओ गौ तो माता कूके बत घर जान के लो सही बात है बेत कूकनो पड़ी ये दीत कोनी हां दिन तो आडी है कलेजे राडो है बेत को डूबा कूको रात दिन गायन कूको थनो की देन गोचर भूमि मा धरनो कब्जा है मन खोरा कब्जा है भी पटवारी लाया नपाई है हां सारी रोकड़ी भी है लोग मरने तक के मुकदमा करे केस करे झगड़ा करे हां गौचर खुली नहीं करे हां
गए अभी कूट 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 नाचे धक्के काटे गौचर के खुद गौचर है गए भी कोई गवर्नमेंट की जमी है तो ही भाई बाने छूट है भी काली जमी है तो ही बाने छूट है पर गौसर में मैं की मांगे गौ माता की गौसर में मैं मांगे की खेत कब्जो करे थार गांव लील सर में हां लील सर में हां क्या करे है के भी सब लोग है गांव का गौसर में सब लोग है कोई जवाब नहीं देना है कोई कोनी भी आवे तो भी गौसर मांगे हटानी है मैं जब नहीं हटो जना मैं हटे ही को हटो जब तक गौसर हटे जगदीन मेरे पास गांव से गौसर जान भी मैं करूं की मां तो लोग बह गया डबरो लिए उबा होड़ लिए उबा दुख लिए उबा गौ माता ना के धक्के पाटे कूटे मारे जना बे मैं जान के करो आबादी की जमीन है तो प्लॉट करो भले तारे खुशी हूं बो पर गौ माता की मो के मांगो बाबी गवर्नमेंट नहीं छोड़ा सके बिन आदेश नहीं है माने भाई गाड़ी में बैटरी सारी काट भरी गाड़ी खड़ी कर दो बस गाड़ी चल जी तो बस आ माता चल जी गौ माता बिना गौ माता का धरना है तो मैं थारी मांग की है मारी बा गौसर खाली करो बस आ मांग है गौसर खाली करनी गौ माता की जिज्ञा करनी बस दूजो कहीं नहीं करना जदी से उठो ला हाँ उठो ला पहले नहीं उठो आज 20 साल 40 साल हो आई गाएंगे गोर के मई होती हूँ घर बंगला कोई नहीं चाहिए तीन तिनाली झोपड़ी है बिस्में गयो है उन लोग कूटे बापड़ी सिपे कठो कचरो लावा कि तुम बेरे मा तो मांग लावा नाका पानी पावा ये फंस रहा है। धन्यवाद साथियों ये महिला है देख लो गौ माता की जमीन खाली करवाने के लिए इसकी आंखों में आंसू आ गए है दुखी है गयो ये कह रही है गौ माता दुखी है ये कह रहे जब तक गोचर ओरण खाली नहीं होगी तब तक मैं धरने से मेरा सीस उठा दो या गौचर खाली कर दो सीधी बात मेरा सीस उठा दो तो कोई धरना तारा खत्म हो जी हुआ सब यानी ये गौचर मारी खाली होनी चाहिए गायो तो साथियों इस पोस्ट को एक बार शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट नेताओं तक और अधिकारियों तक पहुंचे ताकि जल्दी से जल्दी जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ओरण और गोचर जमीन को जल्दी से जल्दी मुक्त करवाए अतिक्रमण से। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।